लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ड्रीम इलेवन पे 2 करोड़ रुपया जीत गए। ये देख लीजिए, ड्रीम इलेवन पे 2 करोड़ रुपया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, गरीबों में दान करेंगे, आप क्या करेंगे? देश देखता जी 2 करोड़ के सहानी जी मालिक हो गए हैं तो लड़की कैसन चाहें बता दीजिए। नहीं नहीं, दहेज की कोनो मांग नहीं है बहुत बड़ा। हाँ लड़की मतलब वो है, मतलब जैसे हम बनी वैसे न मिली, अब थोड़ी ना दूसर को खेत सब गिरवी रख दिया था। गिरवी रख दिया खेत? हाँ, लेकिन 2 करोड़ दहेज वहेज कितना लें? दहेज की कोई बात नहीं है, आपका मालिक हो गए हैं लेकिन लगता नहीं है। सर बहुत बहुत बधाई आपको और ढेरों सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? शत्रुधन सहानी। सहानी जी, अब तो आप जहाज पे हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे, 2 करोड़ रुपये के मालिक हो गए आप। नहीं ऐसा थोड़ी है कि अब हम जहाज का सफर करेंगे, सफर हाँ। तो ये भी छोटा मोटा भी रहेगा। हाँ पैसे तो ये थोड़ी है रखे हुए, उसके तो तमाम हाथ पैर है, वो तो खर्च होना ही है, तो जो जरूरतमंद काम है वो सब हम करेंगे। हाँ। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि भाई साहब सहानी जी आप करते क्या थे, क्योंकि ड्रीम इलेवन पर आजकल पूरे देश में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन आप कैसे लगाए, क्यों जीत गए? भाई बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन कैसे जीत गए आप? क्या उसमें एक लॉजिक, मतलब कुछ बहुत बड़ी लॉजिक तो नहीं है, क्योंकि हम भी तो 3 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, 3 साल से तो हम भी लगा रहे थे, तो वही है कुछ किस्मत ही बताएंगे, किस्मत की बात है। और उसमें प्लेयर जो चुनते हैं ड्रीम इलेवन में, तो जहाँ तक कि कम परसेंटेज वाले को ही हम लेके चलते हैं, जहाँ की जीतने का चांस होता है। अगर 2 प्लेयर उसमें फ्लॉप भी है तो हो सकता है अगर कम में है तो आगे आपको पहुँचा सकता है, यही है उसमें। अच्छा, उस दिन कौन कौन कप्तान था आपका, कौन वाइस कैप्टन था और कौन कप्तान था? वाइस कैप्टन डिकॉक था वो, और कैप्टन था जो कि नया प्लेयर खेल रहा था, उसका नाम भी, मैं उसको खेला भी नहीं देखा था कभी। अच्छा। वो नया बिल्कुल प्लेयर था, मैं उसको ही कैप्टन बनाया था। अच्छा, उसका नाम भी आप नहीं जानते? नहीं नहीं, उसको जानता भी नहीं था, लेकिन देखा कि नया है, खेलने भी आएगा इतने नंबर पे, मैं उसको कैप्टन बना दिया। आपके मोबाइल में है क्या वो, थोड़ा सा लोग देखना चाहते हैं लाइव, क्योंकि बहुत सारे हमारे, हालांकि ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल वाला बहुत सारा 2-3 हम वीडियो कवरेज कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियो में कि ये झूठी खबरें क्यों फैलाते हैं भाई साहब टीवी समाचार वाले, लेकिन मैं वाकई आपके सामने लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ड्रीम इलेवन पे 2 करोड़ रुपया जीत गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त, और भाई साहब के मन में खूब लड्डू फूटा होगा, क्योंकि जब जीते होंगे तो 2 करोड़ रुपया रातों रात, हालांकि बता भी रहे हैं कि विदेश जाकर हम लौट कर भी आ गए हैं। देखिए सर, ये देख लीजिए, ड्रीम इलेवन पे 2 करोड़ रुपया 98 रुपया है ना लास्ट में, 2 करोड़ 98 रुपया जीत चुके हैं। और ये ड्रीम इलेवन का थोड़ा दृश्य दिखा दीजिए सर, यकीनन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ में आया है तो मेरा ही हो गया। भाई साहब मुझे भी कुछ हिस्सा देंगे इसमें से? थोड़ी है कहाँ? अच्छा, इसमें है नहीं अभी तक, इसमें थोड़ी है, लिखा हुआ बस है। अच्छा, इस पैसे की क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, गरीबों में दान करेंगे, आप क्या करेंगे? नहीं क्या है कि मतलब, मतलब जो शादी है प्लस घर भी है, ये सब करवाना है, बनाना है, उसके बाद कोई बिजनेस है, बाकी जो अपना धर्म की बात है, जैसे कि कहीं अगर हम हेल्प जितना कर सके अपने मन से उतना तो हेल्प खैर कर देंगे। वैसे मैं अब पहले भी करता आया हूँ, चाहे 10,000 कमाता था 20,000 उसमें हेल्प मेरा रहता ही था, कहीं ना कहीं देता ही रहता था। अच्छा, शादी वादी हो गया अभी? अभी नहीं हुआ है। तब तो 1 करोड़ रुपया शादियों में लिया ही अब लगा था? नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं कि दहेजे लेके शादी हुई, हाँ चाहे VIP है दहेज, ऐसा कोनो बात नहीं। अब एक और खुलासा ही हो जाओ, थोड़ा सा हम भोजपुरी में भी आ जाता नहीं काहे कि हमनी के भोजपुरी से जुड़ल बानी जा, और भोजपुरी में लोग कहेला भैया तू बोलेला तो बहुत अच्छा लागेला, तो हम भोजपुरियों में थोड़ा बात कर लेते हैं कि लड़का लड़की हो की कैसन चाहें, काहे कि हमारी और सहानी लो बाड़ लो, और ये देखत हुई लो पूरा देश देखता जी 2 करोड़ के सहानी जी मालिक हो गए हैं, तो लड़की कैसन चाहें? लड़की मतलब सबके समझे बुझे वाली लड़की चाहें। हाँ, घमंडी ना होके, और का बस दहेजवा बता दीजिए। नहीं नहीं, दहेज की कोनो मांग नहीं है बहुत बड़ा। लड़की मतलब बढ़िया हो? हाँ लड़की मतलब वो है, मतलब जैसन हम बनी वैसे न मिली, अब थोड़ी ना दूसर को मिल जाए। हाँ जैसन बनी वैसे मिली, लेकिन सही सलामत रहे, मतलब इज्जत करे वाली मिले सबके। अच्छा। और बस इतना ही खुशी। भैया पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके पिताजी से, पिताजी कहाँ गए? आ जाइए सर आप, देखिए इनके पिताजी हैं सहानी जी के, और क्या हालचाल है आपका? बढ़िया है।
अरे आपके बेटे तो रातों रात 2 करोड़ के मालिक हो गए हैं, ये क्या करेंगे 2 करोड़ रुपया जीत कर? अरे 15 कट्ठा में बेच चुका है इन लोगों के पीछे। अच्छा, तब पूछ लीजिए 15 कट्ठा थे, क्यों बेचे हैं इन लोगों को? जो है बाहर भेजने के लिए। अच्छा, ये लोग वापस आ गए। हाँ, क्या करते हैं चाचा आप? मैं कुछ नहीं, घर पे रहता हूँ। घर पे रहते हैं? हाँ, खेती बाड़ी। हाँ, खेत सब गिरवी रख दिया था। गिरवी रख दिए खेत? हाँ, लेकिन 2 करोड़ रुपया आ गए, आप तो छुड़ा सकते हैं। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फिलहाल क्या क्या करने वाले हैं 2 करोड़ रुपये? दो शादी कर, 3 शादी करना है, खेत छुड़ाना है, घर बनवाना है। आपकी बच्ची की शादी करना है? हाँ, लड़की का, 2 लड़के हैं अभी बाकी। अच्छा, इनका भी अभी शादी करना है? हाँ, इनका भी शादी बाकी है। तो दहेज वहेज कितना लेंगे? दहेज की कोई बात नहीं है। नहीं, अरे अब तो पैसे वाले आप हो गए, अमीरों में गिने जाएंगे, 2 करोड़ के मालिक हो गए आप। हाँ चाचा, अब फिलहाल आगे खेलेंगे, अभी भी खेलेंगे कि बंद कर देंगे? नहीं, अब नहीं खेलेंगे। अब नहीं, क्या करते थे आपके बच्चे? किरान चलाते थे। किरान चलाते थे? हाँ। आप गाली वाली नहीं देते थे कि भाई ड्रीम इलेवन पे झूठे पैसा बर्बाद करा था? वो कोनो मतलब नहीं थे, झूठे हारत हो गबो, कहियो गाड़ी वोरी नहीं दे ले? मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। हाँ। मालूम नहीं थे? नहीं, बहुत सारा पिताजी होने की लड़का जब वो खेलेला गेम वेम खेलेला पैसा लगा के तो बहुत लोग गाली देवे लगेला, लेकिन एगो आपको नहीं मालूम था? न तो गरियाते जरूर आप? नहीं नहीं, ये बात नहीं थी। बोलते जरूर आप? हाँ, मतलब बोल सकते, समझा सकते, मत खेलो। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये उनका घर है, थोड़ा इधर से भी दिखा दीजिए सर, ये इनका घर है साहनी जी का। क्या नाम है बता? कन्हैया जी का घर है, कन्हैया साहनी जी का। और एक छोटा सा घर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य कब किसका बदल जाए, कहते हैं कि पल भर में क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। और ऐसे ही टीवी समाचार विभाग खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहां लिखा है @TVSamachar और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, विभाग पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा, देखते रहिए TV समाचार। नमस्कार।